Hello everyone, this is class 9 science chapter 7 diversity in living organism. So is video mein hum log animalia ka sabse pehla topic which is porifera aur ye kiske base pe iska classification hua on the body design differentiation. So now porifera, so these organisms have small hole all over their body which are known as पोर्स. अब इसका नाम पॉरीफेरा कैसे पड़ा एक तो वो देख लेते हैं हम लोग. इसको मतलब इसका नेमिंग कैसे हुआ आई विल नॉट टेल दिस, बट आपको याद कैसे रखना है इसके प्रॉपर्टीज आई विल टेल यू वन ट्रिक. देखो ये जो पॉरीफेरा है ना उसके जो ऑर्गेनिजम्स है उस उन सबके बॉडीज पे होल होते हैं. होल यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको पोर्स कहते हैं. तो मतलब जो पोर, तो यहाँ पे पहला नाम है पोर, तो यानी ये पी ओ आर पोर, तो इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि पोर्स वाले हो गए. We will understand that these organisms are non-motile. Non-motile यानी कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे walk in the sense घूमते नहीं है. अब क्यों नहीं घूमते? Because ये एक solid substance से attached होते हैं. Very important, ये solid substance से attached होते हैं इसलिए वो घूम नहीं सकते एक दूसरे से दूसरी जगह. इसको एक simple way में याद रखने का देखो, फेरा फेरा यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने का. अब यहाँ पे ऐसे समझने का ई फेरा, तो ऐसे समझ लो कि ई लग गया तो इसका मतलब नहीं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमते. फेरा मतलब घूमना और ई लग गया तो नहीं घूमना, तो ये हो गया. पोर का हम लोगों ने देखा कि इसमें पोर्स होते हैं और ई फेरा का देख लिया कि ये नॉन मोटाइल होता है, ये घूमता नहीं है. ये एक आप इजी तरीका है जी कि ये जो मेन पॉइंट है आप उसको इस तरह से याद रख सकते हो. दे हैव अ कैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फूड एंड वाटर. सो अभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक कैनल होता है जिसके जिसकी हेल्प से वो लोग पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फूड और वाटर का सर्क्यूमुलेट कर सकते हैं, पूरी बॉडी में सप्लाई कर सकते हैं. दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग और स्केलेटन. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है और स्केलेटन होता है. देर इज अ वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड इन द डिविजन ऑफ टिश्यूज. मिनिमल डिफरेंशिएशन इसका मतलब कि जो डिफरेंशिएशन है ना बॉडी पार्ट्स का वो बहुत कम है, मिनिमल बहुत कम है, और जो डिविजन ऑफ टिश्यूज है वो भी बहुत कम है. दे आर कॉमनली सेड स्पॉन्जेस, इनको कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है. दे आर मेनली फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स. मरीन हैबिटेट्स यानी कि मरीन वाटर में इनको फाउंड किया जाता है, मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम मरीन वाटर में ही मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल साइकिन एंड स्पॉन्जिला. साइकिन एंड स्पॉन्जिला एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, साइकिन और स्पॉन्जिला. इन दिस पिक्चर आप देख सकते हो कि इसकी एक आउटर कवरिंग है दिस विच इज द स्केलेटन. फिर यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है, अब इनके अंदर ये एक कैनल होता है. ये जो पोर्स होते हैं ना इनके, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे पोर्स. तो दीज आर दी पोर्स जहाँ से वो लोग इनटेक करते हैं कोई भी अपने बाहर का सब्सटेंस. फिर इनके अंदर एक कैनल होता है जिसकी वजह से पूरा सर्क्यूमुलेट होता है ऑक्सीजन वाटर और फूड सप्लाई होता है ऑल ओवर दी बॉडी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पॉरीफेरा. अगर आप इस चैप्टर के एमसीक्यू फॉर्म में पेपर्स चाहते हैं सो डू विजिट www.askandstudy.com. होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. डू शेयर, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आस्क एंड स्टडी. थैंक यू.